से है ग्वालियर में जमकर बवाल हुआ है। कार से बाइक टकरा जाने के बाद ये बवाल हुआ। कार और बाइक आपस में टकरा गए थे। कार सवार युवकों ने बाइक सवार को बीच सड़क पर पीट दिया। बाइक सवार के पीछे बैठे साथी की भी पिटाई की है। कार सवार युवकों ने जमकर मारपीट की है। गांधी रोड के आकाशवाणी तिराहे की ये घटना है। शराब के नशे में थे कार सवार युवक। राहगीरों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं ग्वालियर से, जहां जमकर मारपीट हो गई। कार और बाइक की टक्कर हो गई थी और इसके बाद कार सवारों ने दो बाइक सवारों की बुरी तरह से पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि जो कार सवार थे वो नशे में थे। सुशील कौशिक न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, ये घटनाक्रम सामने आया है, पुलिस ने कोई एक्शन लिया, संज्ञान लिया इस मामले पर? देखिए, दोपहर के वक्त का घटनाक्रम है। जब शहर में बारिश हो रही थी उसी दौरान आकाशवाणी तिराहा जो गांधी रोड पर है वहाँ विवाद हुआ। दरअसल विवाद की वजह ये थी कि बारिश के दौरान एक बाइक और जो कार है वो टकरा गई थी। और हालांकि बात मामूली थी, टक्कर मामूली थी, लेकिन इसी टक्कर को लेकर बाइक सवार दो युवकों और कार सवारों के बीच कुछ कहासुनी हुई और इसी के चलते नाराज कार सवारों ने उतर कर ये बाइक सवारों को पकड़कर मारपीट की और दौड़ा दौड़ा कर इन्हें सड़क पर पीटा है। हालांकि अभी तक पुलिस के पास इसकी शिकायत नहीं पहुंची है। और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ था, उस घटनाक्रम के दौरान राहगीरों ने इसका वीडियो बना लिया था, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस भी अपने स्तर से इसमें फरियादी को तलाश रही है और संभवतः शाम तक उम्मीद है कि इसमें पुलिस कार्रवाई करेगी, क्योंकि भरी सड़क पर यह घटनाक्रम हुआ। जहां हुआ वहां जजों के बंगले हैं, एडीजीपी का बंगला है, तो निश्चित तौर पर यह बड़ा घटनाक्रम था आज शहर में। बिल्कुल, और शहर के बीचों बीच इस तरह का घटनाक्रम हो जाए। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए होंगे अगर पहचान अभी तक जो फरियादी नहीं पहुंचे हैं पुलिस तक। सुशील, देखिए, ये जिस जगह की घटना है वहां पर पुलिस के और ट्रैफिक पुलिस के ही जो सीसीटीवी के कैमरे हैं वो लगे हुए हैं, क्योंकि चौराहे के जस्ट पास का घटनाक्रम है। तो निश्चित तौर पर पुलिस जो है इसमें मारपीट करने वाले लोगों को चिन्हित कर लेगी, क्योंकि जो कार है उस कार का नंबर भी इसमें नजर आ रहा है चौराहे पर। तो पुलिस जो है इसमें अपने स्वसंज्ञान पर जरूर कार्रवाई करेगी, क्योंकि सरे सड़क पर इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं कानून पर सवाल खड़े करती है। तो पुलिस कार्रवाई के लिए कवायद कर रही है। जी, शुक्रिया सुशील पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और अब बड़ी खबर मुरैना से है। मुरैना में चमत्कार देख लोग हैरान हो गए। चिता पर लेटाते ही युवक के शरीर में हरकत दिखी। युवक के शरीर में हरकत देख और लोग हैरत में पड़ गए। युवक को लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचे परिजन। डॉक्टरों ने युवक की नब्ज देखी और ईसीजी कराया। युवक को ग्वालियर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक को मृत समझकर मुक्ति धाम पहुंचे थे परिजन। युवक के अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है। सुनो तो, एक मिनट, डॉक्टर जान का करेंगे मतलब पहले ताकि की जरूरत है तो जाते हैं। मुरैना का ये मामला है जहां युवक को अंतिम संस्कार करने शमशान पहुंचे थे लोग, तभी अचानक शरीर में हरकत दिखी। इसके बाद तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। और अब रुक करेंगे 15 सेकंड में पूरी खबर का। भोपाल में आज से घर घर जाएंगे बीजेपी कार्यकर्ता। पीएम नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल की बताएंगे उपलब्धियां। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से करेंगे संपर्क। शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति राशि हुई दोगुनी। अब क्षतिपूर्ति के तौर पर मिलेंगे 8 लाख रुपए। स्टार्टअप नीति में संशोधन संबंधित मंजूरी दी गई। शिवराज कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश कलाकार कल्याण कोष नियम 2023 जारी करने को मिली मंजूरी। कलाकारों को मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाई गई। शिवराज कैबिनेट ने नर्मदा घाटी विकास विभाग में 6474 अस्थायी पदों की निरंतरता जारी रखने को दी मंजूरी। तमो में MBBS की 100 सीटों वाले नवीन मेडिकल कॉलेज को मिली मंजूरी। सीएम शिवराज ने किया मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान। 10वीं 12वीं के टॉपर्स से सीएम का संवाद। कहा UPSC में MP के बच्चों ने नया रिकॉर्ड बनाया। तमिलनाथ के सीएम फेस बताने पर नरोत्तम मिश्रा का वार। बोले, राहुल गांधी ने दे दिया है स्पष्ट संकेत, वो नहीं है मुख्यमंत्री का चेहरा। सारे नेताओं ने उन्हें कर दिया है रिजेक्ट। चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर कांग्रेस। MP के हर्ष विधानसभा क्षेत्र में सुंदरकांड और रुद्राभिषेक कराएगी कांग्रेस। कर्नाटक में जीत के बाद MP में धार्मिक प्रयोग।
मां का लोक मामले में सरकार नहीं कराएगी जांच, प्रशासन ने कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को वापस मूर्तियां लगाने के दिए निर्देश, कांग्रेस ने उठाए थे सवाल। और उसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय